कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है. थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है. लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना. और यही है त्योहार की थाली. ओके, हाँ करा दूंगी. हाँ पापा, आज ही करा दूंगी. अरे पापा, करा तो देती हूँ मैं हर बार टाइम पे. हाँ ठीक है, ओके, कराते ही आपको फोन कर दूंगी. हाँ ठीक है, रात को फोन करती हूँ. ओके बाय. मेरे पापा भी ना अभी तक सोचते हैं कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, बड़ी नहीं हुई. पता है आज भी मुझे डायरी में हर चीज़ नोट करनी पड़ती है, क्योंकि वो आके चेक करते हैं कि मैंने कौन सा चेक कब जमा किया और किस चीज़ का था वो चेक. बाहर के दुनिया में मेरी इमेज कैसी भी हो, लोग मुझे कुछ भी समझते हो, लेकिन घर में आज भी वैसी है जैसी ये एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले थी. कुछ नहीं बदला, सिर्फ एक चीज़ है जो स्पेशल होती है, और वो ये है कि जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरी माँ मेरी पसंद के खाने मुझे बना बना के खिलाती है. एंड मोर देन खाना, खाने में जो उनका प्यार होता है ना, माँ का प्यार, उसके लिए जाती हूँ मैं बार बार घर. और ख़ास करके अगर दिल्ली जाने का मौका मुझे दुर्गा पूजा के आसपास मिले, कभी ना नहीं बोलती मैं. दुर्गा पूजा के आसपास ना दिल्ली बहुत सुंदर हो जाती है. एक अच्छी सी भीनी भीनी सी गुलाबी सी ठंड शुरू हो जाती है, एक अच्छी सी महक आने लगती है सड़कों पे. इट्स सो ब्यूटीफुल. और जगह जगह ना दुर्गा पूजा के पंडाल लग जाते हैं. मैं मिस तो करती हूँ, लेकिन मेरी एक दोस्त है कविता, बंगाली है, मतलब हाफ बंगाली है, तो मुझे जब भी मौका मिलता है ना दुर्गा पूजा पे, मैं उसके साथ पंडाल में चली जाती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ, उसके घर चली जाती हूँ, अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ. आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कविता भी. और उसके ज़रिए ना मैं वो अपने पुराने वाले दिन उन्हें दोबारा जी लेती हूँ. हाय बीबी. हाय बीबी. आजा आजा आजा. पता है तुझे याद कर रही थी आज मैं. कुछ नहीं सुनना है मुझे. यू सच अ लायर. तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करती हो. पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट में बिजी हो आजकल. बिल्कुल. आई स्वेयर सच्ची बोल रही हूँ मैं. जब तेरा फोन आया ना, मैं तेरे बारे में बात कर रही थी और मैं तुझे याद कर रही थी. आज सुबह से याद कर रही थी ना, मेंट टू कॉल यू, तेरा फोन आ गया. नहीं मैं विश्वास ही नहीं कर. अरे सच्ची बोल रही हूँ. ये क्या प्रोजेक्ट है जो तुम बनाए जा रही हो? खाना बनाया तो था तुम्हें वो. अरे यार वो मैंने सोचा कि फेस्टिवल्स मिस हो जाते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते कुछ, तो आई जस्ट थॉट कि एक एक हफ्ते में एक एक कुछ फेस्टिवल बना लूंगी और उससे रिलेटेड कोई रेसिपी बना लूंगी. That's so nice. हाँ तो मैंने आज पता क्या सोचा? क्या? कि आज मैं वो नवरात्रि होती है ना दुर्गा पूजा वाली, वो सेलिब्रेट करूंगी. एंड दैट्स व्हाई आई वाज मेकिंग बंगाली फूड एंड दैट्स व्हाई आई वाज रिमेंबरिंग यू. आई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. Oh, I believe you. सूखा नारियल है घर में? हाँ सूखा नारियल तो है. और कंडेंस मिल्क है? हाँ वो भी है. नारकोल नाडू बनाएंगे फिर हम. हाँ और गुड़ तो हो गई. बनाएंगे नहीं, बनाऊंगी. मतलब तुम बनाओगी, बिकॉज़ मैं भोगेर खिचड़ी बनाऊंगी. गुड़ है? हाँ गुड़ है, सब है. चलो ठीक है, निकालो. ठीक है बताओ. नारियल भी स्टोर में है, गुड़ देखो वहाँ पे है, और कंडेंस मिल्क फ्रिज में होगा. मुझे चाहिए चावल. बड़ी मुझे कढ़ाई दो ना. वो देखो वो रखी वहाँ पे. अच्छा. और मुझे चाहिए दाल. ओके ये तुम्हारी. तुम्हें क्या चाहिए पहले तुम बताओ. बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ले लूंगी. मेरे को बहुत बेसिक चीजें चाहिए. घी ले लिया है मैंने. हाँ चलो पहले मैं तुम्हारे लिए गुड़ कर देती हूँ ना. ओके अब मैं ये डाल रही हूँ. ये देखो ठीक है. आई थिंक इतने में हो जाना चाहिए. हाँ और थोड़ा सा एक्चुअली मेरे पास पिसा हुआ ऑलरेडी रखा भी हुआ है, अगर वो चाहिए होगा तो वो ले लेंगे. ठीक है. अब मुझे चाहिए भोगेर खिचड़ी के लिए आधा कप मूंग की दाल. तुम बड़ी चालबाज सी निकली, मुझे ही घुसा दिया एकदम किचन में. घर वालों और बाहर वालों में कोई तो फर्क होना चाहिए ना. मतलब अब तुम भी अगर बाहर वालों की तरह आकर
बैठ जाओगी और मैं खाना सजाऊंगी तो फिर मतलब नहीं है ना। पता है इतनी खुशबुएं हैं रसोई में, इतने फ्लेवर्स हैं, और हम अपनी भाग दौड़ में इतने बिजी रहते हैं ना कि हम सब मिस कर देते हैं। ये बड़ा पेशेंस का काम है। ये वाइट नारियल ना जब तक ब्राउन ना हो जाए इसको भूनते ही रहना पड़ेगा। हाँ, भोगेर खिचड़ी। कौन सी दो दालें मिलानी है? नहीं बस ये मूंग की दाल और चावल। अच्छा एक ही दाल डलती है इसमें? एक दाल डलती है और इसमें लिखा है सब्जियां डलती हैं, तो मेरे पास आलू और गोभी है, काफी है ना। बेस्ट है, गोभी तो तुम्हारा फेवरेट भी है। मैं ना हमेशा यही सोचती हूँ कि खाना जो है वो खाने वाले की किस्मत से बनता है, तो अब देखो तुम्हारी किस्मत कैसी है, आज पता चल जाएगा। कमाल बनेगा, आई नो तुम अच्छा ही बनाओगी। मेरे लड्डू अगर आज अच्छे नहीं बने तो यही काइंडनेस मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगी। इसमें घी डाल दे। तुम्हें पता है खिचड़ी की एक कहावत है? क्या बताओ? खिचड़ी के चार यार नहीं पांच यार, चार चार चटनी, घी, पापड़ और अचार। ओके देखो सुनो, तुम ये जो अपना पांच फोड़न का बहुत वो करती हो ना, शो ऑफ, अब देखो मैं इसमें पांच मसाले डालने वाली हूँ। तेजपात, लाल मिर्च, लौंग और दालचीनी, इलायची। इसमें बड़ी इलायची नहीं पड़ती है, छोटी पड़ती है? हाँ। घी देना थोड़ा सा। थैंक यू। अब मैं जरा इसमें चावल भी डाल देती हूँ। अच्छा सुनो एक बात बताओ मुझे, बंगाल में स्पेशली दुर्गा पूजा पे जो गीत गाए जाते हैं वो बेटियों के लिए गाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि दुर्गा माँ की जो प्रतिमा को हम घर पे लाते हैं ना, हाँ, तो उनको बेटी समान ट्रीट करते हैं और बेटी की तरह मानते हैं इसीलिए। अच्छा तुम्हें भी आता है कोई गाना वाना कि नहीं आता है ये बताओ? तुमने टेस्ट लेने के लिए बुलाया क्या? अरे अभी टाइम पास करना है ना, तो खाना बन रहा है तो इसके साथ साथ गाना भी हो जाए। खाना और गाना कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। बेटियों वाला गाना तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक गाना है जिसपे हम ना परफॉर्म करते थे दुर्गा पूजा के टाइम पे। मऊआ बुने फूल उठे छे, बादल गेछे टूटी, आज आमादेर छुटी, ओ भाई आज आमादेर छुटी। वाह 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 वाह, आई एम सो हैप्पी कि मेरी भी छुट्टी है, और उससे भी ज्यादा आई एम हैप्पी कि हम दोनों मिलके खाना बना रहे हैं। कैन यू इमेजिन कितने दिनों बाद कर रहे हैं आज हम ऐसा। एक्चुअली जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।